राणा साहब, साकिब निसार साहब के फोन की गुफ्तगू का आपके अलावा कोई और गवाह भी जिंदा है? No comments. राणा साहब, आपके बेटे मुख्तलिफ जो है वो दावे करते रहते हैं, आप उनकी तस्दीक या तरदीद करेंगे? आप वहीं से पूछें जी, मेरा उससे क्या ताल्लुक है? नो कमेंट्स, बेटे से मेरा क्या ताल्लुक? राणा शमीम अदालत आए तो सहाफियों ने सवालों की बारिश कर दी। राणा शमीम बच बचा के निकल गए। तोहनी अदालत केस में अंसार अब्बासी ने राणा शमीम के तहरीरी जवाब की अदालत में तरदीद कर दी। कहा, राणा शमीम से राबता हुआ था, उन्होंने नहीं बताया था कि बयान हल्फी छापने के लिए नहीं है। चीफ जस्टिस अथर मिनला ने कहा, अंसार अब्बासी साहब झूठ सच और सच झूठ बनने लगा है। बयानिए कैसे बन रहे हैं वो भी पता है। ये महज तोहनी अदालत की कार्रवाई नहीं, ये मेरे और इस अदालत के एहतसाब का मामला है। राणा शमीम ने कह दिया, असल बयान हल्फी लंदन से भिजवाया गया है, जल्द आ जाएगा। अदालत ने पीठ तक समात मुलतवी करते हुए कह दिया, फरीकैन ने जो कहना है अपने बयान हल्फी में कह दे। अटॉर्नी जनरल की फर्ज जुर्म की तारीख मुकर्रर करने की इस्तदा। समंदर किनारे अवाम का समंदर, गवादर को हक दो तहरीक 29वें रोज में दाखिल। माहिगीरों से यकजहती के लिए आज खवातीन भी जलसा करेंगी। वजीर आजम के नोटिस लेने के बाद चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान गवादर पहुंचे। अहम इजलास में गैर कानूनी फिशिंग, बॉर्डर ट्रेड और चेक पोस्टों समेत दीगर उमूर पर बहस जारी। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। गवर्नर पंजाब और वजीर आला से मुलाकात करेंगे। उस्मान बुजदार सियालकोट वाकये की तहकीकात से आगाह करेंगे। वजीर आजम इमरान खान हेल्थ कार्ड के हवाले से तकरीब से खिताब भी करेंगे। सानिया सियालकोट फैक्ट्री मैनेजर प्रियंका कुमारा कत्ल केस में गिरफ्तार। मजीद 18 मरकजी मुलजमान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। 34 मुलजमान पहले ही जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में है। सरगोदा में लापता नौजवान की झाड़ियों से सरबुरीदा लाश मिली। पुलिस ने बीवी और पड़ोसी को शुबे में गिरफ्तार किया। मुलजमान ने दौरान हिरासत एतराफ़ जुर्म कर लिया। नाजिम जोखियो का कत्ल, जेल हुक्काम ने एमपीए जाम उवैस समेत दीगर मुलजमान को पेश नहीं किया तो अदालत को गुस्सा आ गया। आइंदा पेशी पर मुलजमान की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। और सऊदी अरब में पाक सऊदी मुश्तरका फौजी मशक अलकिसा शुरू। रॉयल लैंड सऊदी फोर्सेस और पाक फौज के खसूसी दस्ते शरीक।